Thank you. Amir, question is regarding your weight in the movie. How did you gain the weight and how do you reduce the weight? You know, कैसा आपने पूरा प्रोसेस किया? See, gaining is easy. वजन बढ़ाना बहुत आसान है. आप खाइए, पीजिए, वो सारी चीजें जो हमको बोला जाता है, मत खाओ, जलेबी, स्वीट्स, मिठाइयाँ, डीप फ्राइड वेफर्स, समोसे, बटाटा वड़ा, जितनी चीज़ें जिसमें तेल ज़्यादा हो, तो वो सारी चीज़ें जो बहुत ही टेस्टी होती हैं, जो हम खा नहीं पाते, तो वो मुझे पूरी छूट मिली थी. 6-8 महीना मैं दवा के खा रहा था और इतना मैंने इंजॉय किया, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत इंजॉय किया. मतलब जहाँ मैं जाऊँ लोग बोल रहे हैं, अरे यार मैं ये नहीं खा सकता, नहीं खा सकता. अरे खाओ यार, कुछ नहीं करके मैं ले लेता था. तो केक खा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, मतलब लाइफ में इतना मैं फ्री कभी मैंने फील नहीं किया. नहीं तो हमेशा डाइट पे रहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. तो आई रियली एंजॉयड दैट एंटायर प्रोसेस ऑफ पुटिंग ऑन वेट एंड ऑल ऑफ दैट एंड स्टेइंग फैट. आई हैड टू स्टे फैट, यू नो, थ्रू द शूटिंग ऑफ द फिल्म. और फिर वो वक्त आया जब मुझे कम करना था, तो ऐसी बैंड बजी है मेरी. उफ, इट वॉज रियली डिफिकल्ट, बट आई हैड अ ग्रेट टीम विथ मी. आई हैव टू टेल यू, आई वॉन्ट टू एक्नॉलेज माई टीम ओवर हियर. एक तो मेरे जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनका नाम है डॉक्टर निखिल धुरंधर, वो अमरीका में रहते हैं. और यहाँ पर सेंटा क्रूज में डॉक्टर धुरंधर का नाम आपने शायद सुना होगा, सीनियर डॉक्टर धुरंधर, उनके बेटे हैं. और उन्होंने, क्योंकि मैं सीनियर डॉक्टर धुरंधर के साथ कई सालों से था एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ यू नो पर्सन हु इज टू कंसल्ट हिम, उनकी तबीयत कुछ बिगड़ गई. तो लकीली आई मेट निखिल, ही वॉज इन इंडिया दैट टाइम, एंड ही सेड आई विल टेक ओवर फ्रॉम वेयर डैड हैज लेफ्ट. तो उससे मुझे ताकत मिली, क्योंकि यू नीड अ न्यूट्रिशनिस्ट हु नोज अबाउट फूड प्रॉपरली. उस नॉलेज के साथ मुझे पूरा फेथ था कि यहां मैं रॉन्ग नहीं जा रहा हूं, व्हाटएवर ही टेल्स मी विल बी द करेक्ट थिंग. सो एंड आई इन्वॉल्व्ड हिम इन द बिफोर वी स्टार्टेड द शूटिंग, इवन इन द वेट गेन एंड इन द वेट सस्टेनेंस, ही वॉज स्टिल पार्ट ऑफ दैट क्रिएटिंग द डायट फॉर मी. एंड then the weight loss began from the 10th of January, I think 10th January se mera weight loss shuru hua. So he was very critical in this whole process. The other two people who were critical were my trainers. Ek mere trainer hai, unka naam hai Rakesh, aur Rakesh mere saath the shuru mein jab humne shuru kiya training. Aur training mein dekhiye, ye bhi important hai ki main mota hu lekin meri training phir bhi jari hai. Aapko wo muscles dikhenge nahi kyunki charbi itni zyada hai uske upar ki muscles ka shape aapko nazar nahi aayega. लेकिन वो जरूरी है, क्योंकि जब मैं मसल लाना चाहूंगा तो फिर अगर मैंने कंटिन्यूस ट्रेनिंग नहीं की है तो देन टू बिल्ड मसल टेक्स मच लॉन्गर. सो इट इज इंपॉर्टेंट आई ट्रेन राइट थ्रू दिस प्रोसेस. इवन व्हेन आई एम फैट आई एम ट्रेनिंग, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेन व्हेन यू आर फैट. 97 किलोज एंड यू आर डूइंग स्क्वाट्स एंड यू आर डूइंग यू नो बेंच प्रेस एंड यू आर डूइंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट. खैर, तो मैंने वो राकेश वॉज विथ मी, एंड देन राकेश इज एक्चुअली सलमान्स ट्रेनर. वो रेगुलरली सलमान की ट्रेनिंग करता है. तो उसने मुझे एक दिन कहा कि भाई बुला रहे हैं, सुल्तान की शूटिंग शुरू हो रही है. तो मैंने कहा जाओ भाई, तुम भाई के पास जाओ. तो वो भाई के पास गए और ही ट्रेन सलमान, एंड उनकी जगह पे राहुल भट्ट केम टू ट्रेन मी, भट्ट साहब के जो बेटे हैं. तो राहुल भट्ट ट्रेन मी फॉर 3-4 मंथ्स जस्ट शूटिंग के दौरान. एंड देन वंस सुल्तान की शूटिंग कंप्लीट हो गई, देन राकेश केम बैक. सो लास्ट 3 मंथ्स अगेन राकेश हैज ट्रेन मी. So between Rakesh and Rahul, they both really managed my schedule really well. They really pushed me to the extreme. Both are very good trainers. Both are excellent, very knowledgeable trainers. So with Dr. Nikhil Dhurandhar, Rahul Bhatt and Rakesh, I had 3 people who were a strong team to help me through this very difficult phase of changing the shape of your body.